एजुकेशन को लेकर और क्या चाहते हैं ये बताइए मुझे सोनू जी। एजुकेशन को लेकर हम यही चाहते हैं कि जो है हमारा इच्छा अच्छा अच्छा हो जाए। अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि आपको डीएम बना दिया जाए और डीएम तो आप खैर बन ही जाएंगे, ये तो सभी की शुभकामनाएं 100% बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप डीएम नहीं बनेंगे और आप अच्छे शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार पाएंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है सोनू जी। जैसे आपने जो मुद्दा उठाया ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ आपकी तरह जिस बच्चे ने आंखों में आंखें डालकर सीएम के साथ बात करी हो और आपके आंखों में और आपके एक मुंह पर एक सच्चाई नजर आई हर किसी को, यही वजह है कि सोनू जी आप आज आपको लोग प्यार कर रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं क्योंकि आप में वो दम है, आप इस दुनिया के अंदर भगवान के रूप में आए हो सोनू। सीरियसली आपके अंदर बहुत जज्बा है और बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। मेरे लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे, नाम लेकर बताइएगा, मैं डॉक्टर एम के सिंघानिया, आप मेरे लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आप मेरे मदद करें। ऑफ कोर्स मैं आपकी आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, जो आप चाहते हैं आप मेरा नंबर ले लीजिए और मैं आपका नंबर ले लूंगा, जो भी आप चाहते हैं मैं आपकी फुलफिल को 100% पूरा करूंगा, मैं डॉक्टर एम के सिंघानिया। ठीक है, जो भी आपको मदद चाहिए मुझे एक बार मैसेज डाल दो कि मेरे को ये नीड है, आई विल सपोर्ट यू। ओके ठीक है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनू, आराम से पढ़िएगा, अपने जो आपने मुद्दा उठाया उस पर अपना अटल रहिएगा और मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी आप डीएम के रूप में इस इंडिया के अंदर और अपने नालंदा के अंदर प्रकाशित हों और चमक तो आप गए हो वैसे भी और अब आपको यू नेवर स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता, यू आर यूनिक सोनू, यू आर यूनिक, आपकी जैसा कोई नहीं है, आप बहुत ही अच्छे पर्सन है, यूनिक बोले तो कि जस्ट लाइक है कि आप जैसा कोई है ही नहीं, यू आर यूनिक जस्ट लाइक ए रोज, आप एक फूल की तरह है वहां पर। अच्छा आपकी किसी जो आपकी कुछ ऐसी कहानियां सुनी थी आपके चाचा को लेकर कि चाचा के आईटीआई है ये वो है, वो लोग आपसे नहीं जुड़ पाते थे, वो सब अफवाह है सर, अफवाह तो ये भी फैला खेसारी लाल यादव जी ने मुझको लंबोर्गिनी कार गिफ्ट कर दी, तो ये क्या साथ है, मतलब ये अफवाह है, यहाँ पर इतना मीडिया में बातें हो रही है कि सोनू के जो चाचा हैं उनका एक आईटीआई है और स्कूल है, पहले सोनू को ऐसा कुछ नहीं करते थे, तो आप उनको पूछिए ना भाई कि आईटीआई चाचा के ना है, हमरा नहीं ना है। सही बात है, अगर हमरा होता तो मैंने हम लोग मैसेज कर रहे हैं दबाकर पूछ रहे हैं उनसे कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि सोनू को पहले तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता था, पूरे गांव के लोग जो है हमको सपोर्ट में नहीं है, सब हमको विपक्षी पार्टी बना हुआ, यहाँ तक के जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उस स्कूल के सर भी मेरे खिलाफ है, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो जान लीजिए कि क्या है। देखो मैं रात के 12 बजे तक आपकी वीडियो को पढ़ रहा हूँ और आपके बारे में मतलब सुन रहा हूँ, तो आप टेंशन नहीं लेने का कि मैं आपके सर आपके पार्टी में नहीं है या मतलब आपके खिलाफ है, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इफ यू वांट टू बी अ सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हमको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, आपने जो मुद्दा उठाया है वो हार्ड वर्क भी है स्मार्ट वर्क भी है और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे अच्छा काम एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही है, जो कि आजकल के छोटे से छोटे बच्चे आज इसे सीरियस नहीं ले रहे, ना ही 14 साल का बच्चा सीरियस ले रहा, आप 11 साल के होकर आपने एक शिक्षा पर शिक्षा व्यवस्था पर ये मुकदमा उठाया, ये तो बहुत ही बड़ा मतलब इसका तो ये तो अनमोल सवाल है आपका, जिसकी मैं सराहना नहीं कर सकता, जिसकी मैं थाई नहीं लगा सकता, एक समुन्द्र की तरह आपने वो सवाल को और इस शिक्षा के कर्तव्य को उठाया है, जो कि एक नहीं आज हजारों स्कूलों की पोल खुल रही है मीडिया में, हजारों जो मीडिया के लोग हैं वहां जा रहे हैं जाकर देख रहे हैं, टीचर भागने लगे हैं आजकल स्कूल में, जो गवर्नमेंट की जो स्थिति है इस समय इतनी खराब है कि एक आपने पूरे इंडिया के स्कूलों को आने वाले समय में और अभी मतलब ऐसा कर दिया कि स्टैंड कर दिया, अब टीचर लोग डरने लगे हैं कि कहीं यार ऐसा तो नहीं है कि सोनू का काफिला ना आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है यार कहीं न्यूज वाले नहीं आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं यार हम पे रेड पड़े, मतलब
जीना हराम हो गया। और ये लोग क्या कर रहे थे मालूम है ना आपको, क्या कर रहे थे ये लोग? पता नहीं ये लोग क्या कर रहे थे, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा ये सब बनाने में लगाते। कोई स्कूल की क्लास या बच्चे के बारे में कभी सोचता है ये टीचर? गवर्नमेंट सैलरी कितना पाते हैं? 65,000, 1,00,000, 90,000, 70,000, क्या काम करते हैं ये लोग? यस करते हैं। सोनू बताओ आपको क्या काम करते हैं? करना तो कुछ है नहीं, केवल खाना है और खेलना, और ऊपर से बच्चों को डांटना है। यही हो रहा है ना भाई। जो बच्चा आवाज उठाता है क्या करते हैं? या तो उसको आवाज को दबा दिया जाता है, या फिर उसके पेरेंट्स को ये कह दिया जाता है कि आपका बच्चा नालायक है, आपका बच्चा पढ़ने में बिल्कुल मंद बुद्धि है, इसको यहाँ से ले जाइए, हम इसे पढ़ा नहीं सकते। और माँ बाप गाँव के होते हैं, वो बेचारे वैसे होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, और वो उनका कहना मान लेते हैं और फिर वहां से उस बच्चे को हटा देते हैं, क्या करें। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया, ये मुद्दा ही नहीं, ये दुनिया को चेंज करने का मुद्दा है। दुनिया को चेंज करे ना करे, हमारे इंडिया की एजुकेशन डिपार्टमेंट को चेंज कर देगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ, जो आपने मुद्दा उठाया है। और आने वाले समय में, अभी आप इतनी छोटी में आपने इतना कुछ कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ गारंटी से कि अगर आप डीएम बन गए, मैं डॉक्टर एम के सिंघानिया, अगर आप डीएम बन गए तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, तन से बता रहा हूँ, मन से बता रहा हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता इस जिंदगी के अंदर। अगर आप डीएम बन गए तो वी विल सपोर्ट यू, आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। आई विल सपोर्ट यू, दे ऑल आर सपोर्ट यू, दे ऑल आर विल सपोर्ट यू, आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। मेरी यही शुभकामना है। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा सोनू, कि थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ये जिंदगी बहुत ही अनमोल है, ये जिंदगी हमारे जिंदगी के अंदर, और जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि ये मीडिया के जैसे ही आप रास्ते से निकल जाएंगे, उसके बाद अपनी पढ़ाई पर इतना फोकस करें, बिकॉज यू नेवर गो विदआउट स्टडी। आप अपनी शिक्षा से लेकर आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टडी क्लियरली सीरियसली। आपको जो अपनी पढ़ाई है वो बहुत ध्यान पूर्वक पढ़नी पड़ेगी, और ध्यान से जब पढ़ेंगे तभी आप डीएम बन सकते हैं। ठीक है सोनू? ओके सर, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं और नहीं, और बस टाइम से थोड़ा सा खाना वाना खाइए। ओके, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद, थैंक यू। सिंघानिया जी, जी दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत तो नमस्कार दिल से, और मैं डॉक्टर एम के सिंघानिया फ्रॉम दिल्ली, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो सोनू जी ने जो शिक्षा को लेकर मुद्दा उठाया है, ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ इससे पहले, मैंने कभी नहीं देखा। मैं इतना बड़ा हो गया, 27 साल का हो गया, लेकिन मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिस बच्चे ने इस तरीके का मुद्दा उठाया है। एक पहला बच्चा मेरे नजर के सामने आया है, तो दर्शकों को भी यही है कि इस बच्चे को जितना हो सके सपोर्ट करें। और दूसरी चीज, एक बच्चे से आप देख सकते हैं कि आज की टीआरपी अगर खोलकर देखते हैं तो हर जगह सोनू। इस बच्चे ने मात्र 11 साल की उम्र में 1100 करोड़ का काम दे दिया लोगों को, 1100 करोड़ का काम। और कैसे 1100 करोड़ का दिया, आप सब लोग देख ही रहे हैं, आप हर जगह देख रहे हैं सोनू, हर जगह देख रहे हैं। ऐसे ऐसा चैनल की मैं बात करता हूँ तो वो चैनल पर इतने अच्छे व्यूज, लाइक एंड फॉलोअर्स आ रहे, मतलब इस छोटे से 11 साल के लड़के ने इतना कुछ दे दिया मीडिया को, कि बहुत कुछ दे दिया, और ये बच्चा बहुत दूर तक जाएगा। और दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जहां अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप चाहे गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, चाहे सरकार प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, बच्चे की 8 दिन के बाद अपनी पैरवी जरूर करें। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपकी लड़की भी है 11 साल की, आपके लड़का भी है 11 साल का, उन बच्चों की देखभाल करना माँ बाप को कर्तव्य होता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। 25 साल की उम्र तक माँ बाप एक बच्चे को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि आप यकीन मानिए, 12 साल का लड़का, 11 साल का लड़का, या फिर 15 साल का लड़का, या 20 साल का लड़का, ऐसा कोई 100 में से 2-4 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान होता है ब्रह्मांड का, लेकिन बाकी के लड़कों को 11, 12, 22, 20 साल तक के कोई बच्चे को ज्ञान नहीं होता। मैं डॉक्टर एम के सिंघानिया फ्रॉम दिल्ली से मैं यही संदेश देना चाहूंगा, अपने जो दर्शक हैं इन दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को 22 साल की उम्र तक या 25 साल की उम्र तक आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी दें, और या कोई बच्चा जैसे लाइक सोनू की तरह ऐसा बच्चा कोई है तो उसको अपने तरीके से करने दें। अदरवाइज बच्चों को ज्यादा ज्ञान नहीं होता, उसे ऐसे ज्ञान में ढालें ताकि
उसका ज्ञान आगे जाकर चर्चित हो। चलिए धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, थैंक यू।